आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए प्राणायाम के बारे में देखेंगे। हमारे मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए आज चार प्राणायाम करेंगे। यह चार प्राणायाम मनोस्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। इसको आसानी से सभी लोग कर सकते हैं। इस प्राणायाम करने के तुरंत हमारे शरीर मन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इसको सकारात्मक और सद्भाव से करने से डिप्रेशन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन से मुक्त हो जाता है और शरीर में आलस्य कम होकर उत्साह शक्ति बढ़ता है। मन में पवित्रता, निर्मलता, स्थिरता आती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक है। इससे मनोबल, मनोस्वास्थ्य भी बढ़ता है और शांति, समाधान भी मिलता है। इसका लाभ सभी लोग उठाए। प्राणायाम हाथ आगे रखकर मुट्ठी बांधकर श्वास लेते लेते मुट्ठी बांधना चाहिए। मुट्ठी खोलते श्वास छोड़ना चाहिए। गहराई से श्वास लेना, मुट्ठी बांधना। थोड़ा समय तक श्वास रुकना चाहिए, फिर श्वास छोड़ते छोड़ते मुट्ठी खोलना चाहिए। ऐसा 10 बार लगातार करना चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक। इस तरह पहला मुट्ठी बांध के 10 बार प्राणायाम यहां करना चाहिए। प्राणायाम दोनों हाथ साइड रखकर प्राकृतिक बीच में एक ऊर्जा शक्ति आई। यह ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में लेना और पाना चाहिए। गहराई से श्वास लेते लेते प्राकृतिक शक्ति पाना, लेना। लेकर ऐसा थोड़ा समय सिर पे हाथ रखकर रुकना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते इस तरह इसको करना चाहिए। तो प्राणायाम दोनों हाथों को आगे सामने सीधा रखना चाहिए। श्वास लेते लेते सिर पीछे झुककर श्वास गहराई से लेना चाहिए। श्वास छोड़ते छोड़ते आगे हाथ लाना चाहिए। थोड़ा समय रुकना चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। चारवें नंबर दाएं हाथों को धीरे धीरे हमारा शक्ति लेता हुआ ऐसा भावन करके सिर का हाथ नहीं छूना चाहिए। धीरे धीरे हमारा ब्रेन का द्वार से पूरे शरीर भर शक्ति पाता हूँ, शक्ति बढ़ता हूँ ऐसा भावन करके धीरे 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 ऐसा घुमाना चाहिए 10 बार स्लोली। हाथ सिर का नहीं छूना चाहिए।
बाद में अपोजिट साइड भी धीरे धीरे घुमाना चाहिए। दोनों हाथ घुटने का थोड़ा ऊपर रखकर हाथों को द्वार से हमारा शरीर पर पूरा प्राकृतिक बीच में सकारात्मक शक्ति ऊर्जा शक्ति आती है ऐसा भावन करके गहराई से श्वासोच्छ्वास में ध्यान देना पड़ेगा और क्रिएटिव देखना चाहिए। हाथ का उंगलियों से हमारा शरीर भर शक्ति पूरा बढ़ता है ऐसा सोचकर सद्भाव से करना चाहिए, वो इससे शरीर का हल्का होता है। पूरा भीतर का शरीर देखना चाहिए ऊर्जा शक्ति बढ़ाने के लिए, मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए हमारा खुद महसूस करना चाहिए। इस प्रकार इसका कर सकते हैं।